हेलो फ्रेंड्स, नीलिमा क्रिएशन में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपको ये राउंड शेप डोरमेट बनाना बताऊंगी। इसे मैं आज आपको 32 फंदे में बनाना बताऊंगी। 32 फंदे में भी ये काफ़ी बड़ा बनकर तैयार हो जाएगा अगर आप इसे पुरानी चुन्नी या साड़ी से बनाएंगे तो। ये डिज़ाइन 2-in-1 डिज़ाइन है। अगर आप इसे इस साइड से देखेंगे तो ये राउंड शेप में दिखेगा और लगेगा कि जैसे इसमें तीन तरह की कली बनी हुई है, लेकिन अगर आप इसे इस साइड से देखेंगे कली की साइड से तो ये एक ट्राइंगल का शेप दिखेगा इस तरह से। इसे बनाना बहुत ही आसान है। और फ्रेंड्स, जितने भी फंदे लेकर आप बड़ा बनाना चाहें उतना फंदा आप ले शुरुआत में ही, क्योंकि इसमें कोई भी फंदा बाद में बढ़ता नहीं है। जितना शुरुआत में लेंगे उसी से ही पूरा डोरमेट ही कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें बढ़ाना कुछ नहीं है, सिर्फ आप अगर डिज़ाइन के सारे स्टेप्स को अगर अच्छे से समझ लेंगे तो ये डिज़ाइन आसानी से आपका बन के तैयार हो जाएगा। पिंक कलर से ही इसमें 32 फंदे ले लेंगे। ये 10 नंबर की सिलाई ले लिए हैं। देखिए इसमें 32 फंदे ले लिए हैं। जो पिंक वाला पैटर्न है कली वाला, वो वाला बना रहे हैं इसमें। ये देखिए बिनते हुए अंत तक आ गए। अंत का जो ये दो फंदा है, एक ये फंदा है, इन दोनों को मिला करके ये थोड़ा लूज हो गया है। और ये दो फंदा जो है इसे बिना बुने छोड़ देते हैं। अब इस साइड से भी बाकी फंदों को इधर बिनते जाएंगे और इस साइड से भी दो फंदा इधर इन दोनों को छोड़ देंगे। तो यहाँ तक बिन लेते हैं। बीच में जो 28 फंदे रह गए उन्हें बिन लेते हैं। ये देखिए इस तरफ आ गए, इधर से भी दो फंदा छोड़ देंगे। ये जो दो फंदा अंत का है यहीं से धागा इस तरफ कर देंगे। तो इधर से भी दो फंदा छोड़ दिए हैं। ये देखिए ये एक, ये दो, और इधर से भी दो फंदा छोड़ दिए, फिर से धागा इस तरफ किए हुए हैं। फिर से बाकी फंदा को बिनते जाना है। अब इधर में जाके ये फिर से दो फंदा और छोड़ देंगे, यानी चार फंदा। तो यहाँ तक बिन लेते हैं। ये देखिए बिनते हुए अंत तक आ गए हैं। ये फिर से दो फंदा बिना बुने छोड़ दिया, यानी चार फंदा छूट गया। फिर से धागा इस तरफ कर देंगे, फिर से बाकी को बिनते जाना है। इधर से भी पहले इन दोनों को छोड़े हुए हैं, देखिए ये दो को, अब यहाँ से दो फंदा और छोड़ देंगे। तो इधर से भी चार फंदा छूटेगा, इधर से भी चार फंदा। तो यहाँ तक कर लेते हैं। इसी तरह से हर लाइन में दो दो फंदा दोनों साइड से छोड़ते जाना है, जब तक कि अंत में चार फंदा ना रह जाए। इसमें 32 फंदा लिए थे तो 14-14 28 फंदा दोनों साइड में छोड़ना है, बीच में चार फंदा बच जाएगा। उतना दूर तक कर लेते हैं, उसके आगे बताते हैं कैसे करना। ये देखिए दोनों ही साइड से दो दो फंदा छोड़ते हुए ये अंत में अब यहाँ पे सिर्फ चार फंदा रह गया है। देखिए देखिए 2, 2-4, 2-6, 2-8, 2-10, 2-12, 2-14। इधर भी देखिए ये 2, 2-4, 2-6, 2-8, 2-10, 2-12, 2-14, और बीच में ये चार फंदा। अब क्या करेंगे, देखिए जैसे जैसे हम लोग छोड़ते गए वैसे वैसे अब सारे फंदे हम लोग लेते जाएंगे, बिनते जाएंगे। तो देखिए ये जो चार फंदा है उसे पहले हम लोग बिनते हैं यहाँ पे, 2, 3, 4। इसके बाद का ये जो दो फंदा है उसे साथ में लेकर के बिन देंगे। ये देखिए अब ऐसे करेंगे तो हम लोग यहाँ पे गैप भी आता है, तो गैप ना हो उसके लिए हम पहले भी तरीका बताए हैं कि बीच में से फंदा उठा के बिन सकते हैं। एक और तरीका है
वैसा भी हम लोग कर सकते हैं। देखिए ये दो फंदा बिन लिए, अभी जो नेक्स्ट दो फंदा है उनमें से एक फंदा को बिना बुने उठा लेंगे इस तरह से, फिर धागा को इस तरफ से घुमा देंगे और फिर इस कांटे पे कर देंगे। बिने नहीं है, इसे नेक्स्ट लाइन में बिनेंगे। बस इस तरह से कर देने से भी कोई गैप नहीं आता है। अब यहाँ से जो छः फंदा हम लोग का हुआ है साथ में, दो दो चार दो छः, इन्हें ही बिन लेंगे पहले इस तरह से। इस तरह से बिनने पे ये देखिए ये बिनाया नहीं है पर ये इकट्ठे दिख रहा है, तो इसे भी इस लाइन में नहीं बिनेंगे, इसको नेक्स्ट लाइन में बिनेंगे। ये देखिए अब ये छः फंदा हम लोग बिन लिए, अब इधर से भी दो फंदा हम लोग को बिनना है, तो सेम दो फंदा भी बिन लेते हैं। और यहाँ पे गैप ना है इसके लिए देखिए ये एक फंदा को इस तरह से उठा लेंगे, फिर इसी कांटे पे कर देंगे। बिन नहीं रहे हैं, बस इसके साथ एक बार क्रॉस कर दे रहे हैं, इसको घुमा ले रहे हैं धागे को। फिर यहाँ से अब ये देखिए आठ फंदा हो गया होगा इकट्ठे में, दिखा रहे हैं ये दो दो चार दो छः दो आठ, ये देखिए ये आठ फंदा, ये एक फंदा तो हम लोग इसमें क्रॉस किए थे जो घुमाए थे धागा को वो है, तो हम लोग को यहाँ से आठ फंदा और ये जो घुमाए उसे और इसके बाद वाला यानी दस फंदा बिनना है। इसे ध्यान में रख रख करके बिनना है, ऐसे घुमा लेने से लगता है कि ये बिना हुआ है लेकिन वो बिनाया नहीं है, जस्ट हम लोग उसको सिर्फ उठा करके उसमें धागा लपेटे थे बस, क्योंकि वो इसलिए किया जाता है कि गैप ना आए। तो यहाँ से 10 फंदा हम लोग बिन लेते हैं। ये देखिए इस फंदे पे हम लोग लपेटे थे तो इसे बिनेंगे और इसके बाद का एक फंदा बिनेंगे और फिर से ये देखिए 10 फंदा हो गया होगा, ये नहीं बिनाया है सिर्फ लपेटाया है। यहाँ से एक दो दो चार दो छः दो आठ दो दस, ये देखिए अब ये इसके बाद का जो ये एक फंदा है उसे उसी तरह से फिर से बिना बुने सिर्फ उठाएंगे, धागा को इस तरफ कर देंगे और फिर इसी कांटे पे इसको उठा लेंगे। अब ये देखिए वही धागा इधर से जो दस फंदा है उसे बिनेंगे और जो इस पहले लाइन में हम लोग जिसमें धागा लपेटे थे उससे बिनेंगे, यानी बारह फंदा बिनेंगे, दो दो चार दो छः दो आठ दो दस दो बारह, यहाँ तक बिन लेते हैं। इसी तरह से बिनते जाना है ध्यान से, दो दो फंदा पहले हम लोग छोड़ते जा रहे थे, अब दो दो फंदा करके दोनों साइड से बिनते जाएंगे और दो फंदा बिनने के बाद एक फंदा में धागा को लपेट के जैसे बताएं वैसे कर देंगे, जिससे कोई भी छेद टाइप का या होल नहीं दिखेगा और कोई झोल भी नहीं होगा ऐसा करने से। अब इस साइड से भी सबको बिनते हुए यहाँ तक कर लेते हैं, इसी तरह से पूरा सारे फंदे को ही कर लेते हैं, उसके आगे बताते हैं। देखिए फ्रेंड्स बिनते हुए यहाँ तक कर लिए हैं, अभी देखिए इधर में भी ये चार फंदा बचा हुआ है, तो दो फंदा ये और ये दो फंदा में एक फंदा को लपेटे हुए हैं और ये, और इधर में भी ये देखिए चार फंदा बचा हुआ है, ये देखिए दो फंदा ये और इसमें से ये फंदा लपेटा हुआ है। अब ये हम यहाँ पे हैं बिनते हुए, फिर यहाँ चले जाएंगे दिखाते हैं, ये लास्ट वाला लाइन है इसलिए आपको दिखा दे रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे आ गए हैं, इसे जो लपेटे हुए थे उसे बिन लेते हैं, इसके बाद का एक फंदा और ये जो इधर में दो फंदा उनमें से एक फंदा में फिर से धागा लपेट देते हैं इस तरह से। इस तरफ अभी दो फंदा रह गया है, इधर से बाकी फंदों को बिनते चले जाएंगे यहाँ तक। ये देखिए बिनते हुए इस तरफ आ गए हैं, ये लपेटा हुआ फंदा बिनते हैं, इसके बाद का इसमें से को उठा करके फिर से इस तरह से। अब क्या करेंगे ये देखिए, यहाँ से फिर से सबको बिनते हुए एकदम यहाँ अंत तक कर लेंगे इस लाइन में। ये देखिए सारे फंदे इसमें बिन लिए, ये देखिए हम लोग बिनना यहाँ से स्टार्ट किए थे
और ख़त्म यहाँ पे कर रहे हैं। अभी ये दो फंदा जो है बचा हुआ है, इसे हम लोग नहीं बिनेंगे, क्योंकि अगर ये पूरा भी हम लोग यहाँ कंप्लीट करके फिर यहाँ जाएंगे, फिर वापस यहाँ आएंगे, तो इस ऐसा करने से ये जो बीच में जो होल आता है ये बहुत बड़ा हो जाएगा। इसलिए ये दो फंदा भी जो रह गया है उसे रहने देते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम लोग दूसरा कलर लगाएंगे, तो इसमें हम लोग 32 फंदा लिए हैं, तो 16 फंदा हम लोग इसमें ग्रीन कलर से बिनेंगे। जो आपका बेस कलर है वो आप यहाँ से लगा दीजिए, ये वाला कलर ज़्यादा लगेगा जो ग्रीन कलर हम लगा रहे हैं। बाकी कली के लिए आप कलर चेंज कर सकते हैं। यहाँ से 16 फंदा बिन लेते हैं हम लोग, 4। जितना भी फंदा लेंगे उसका हाफ यहाँ पे ये बनाएंगे दूसरे कलर से, 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 2 12, 2 14, 2 16 धागा यहीं से पलट देंगे। ये इसका सीधा साइड बनने वाला है। अब इसे एकदम यहाँ तक बिन लेते हैं, ये देखिए इसे बिन लिए। अब यहाँ से देखिए जो 16 फंदा है उनमें से एक एक फंदा छोड़ते जाना है, ये वाला पैटर्न बनेगा। तो यहाँ पे दो लाइन है, तो दो फंदा छोड़ने के बाद हम लोग फिर पिंक कलर लगाएंगे। इसे उठा लिया करेंगे, 15 फंदा बिन लेते हैं, 2। ये देखिए यहीं से धागा पलट देंगे, सीधी साइड से बिन लेते हैं, यहाँ तक कर लेते हैं। ये सीधी साइड से बिन लिए, सीधी साइड में इस तरह से दो लाइन दिख रहा है अभी। अब यहाँ पे देखिए ये दूसरा फंदा जब छूटेगा इसमें का, तब हम लोग यहाँ पे कलर लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे दो लाइन बन गया है सीधी साइड से। अब यहाँ पे दो फंदा हम लोग बिन लेते हैं, ये एक को उठा लिए हैं, दूसरा बिन लेते हैं, और फिर से ये जो पिंक कलर है यहाँ से पिंक कलर से बिनेंगे। ये देखिए अब फिर से जाके यहाँ पे एक फंदा छोड़ेंगे, यहाँ तक बिन लेते हैं। ये देखिए यहीं से धागा पलट देंगे, सीधी साइड से फिर बिनते हुए यहाँ तक कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे पिंक कलर को बैक साइड ले जाके ग्रीन वाले के साथ क्रॉस कर देंगे और इसे यहाँ पे बिन लेंगे दो फंदा को ग्रीन को। इसी तरह से दो फंदा को ही हमेशा मेंटेन में रखना है, यहाँ पे कोई फंदा बढ़ाना नहीं है यहाँ पे। ये जो हम लोग एक एक फंदा हर लाइन में छोड़ेंगे, जिसके वजह से ये थोड़ा ये निकला हुआ टाइप का लगेगा। ये देखिए फिर से बिनते हुए जाएंगे पिंक कलर पे, जहाँ पे जो जैसा कलर है इसे बिनते जाएंगे और इधर से एक फंदा छोड़ेंगे। इसी तरह एक एक फंदा करके छोड़ते जाना है, ये पिंक कलर तक छोड़ देते हैं। फ्रेंड्स इधर से एक एक फंदा छोड़ते हुए यहाँ अंत तक छोड़ दिए हैं, अंत में सिर्फ 3 फंदा अब रह गया है। अब यहाँ से क्या करेंगे, जैसे जैसे छोड़ते गए हैं वैसे वैसे इसे ले करके बिनते जाएंगे। देखिए जो 2 फंदा ग्रीन का है उसे ग्रीन का ही रखेंगे, इस एक को जो पिंक का है उसे पिंक से बिनेंगे, और इसके बाद का ये एक फंदा बिनेंगे। अगर यहाँ आपको ज़्यादा गैप लगेगा तो यहाँ से इस तरह से एक फंदा उठा लेंगे साथ में। ऊन से तो समझ में नहीं आता है, लेकिन साड़ी से बिनने पे यहाँ पे समझ में आने लगता है गैप जैसा, तो इस तरह से एक फंदा उठा करके साथ में लेके बिन देना है, फिर यहीं से धागा पलट देना है। इस साइड से इन चारों को बिन लेना है। ये
देखिए दो फंदा है, इस बार इसे बिनना है। इसी तरह से एक एक फंदा जैसे जैसे छोड़ते गए हैं वैसे वैसे ले लेकर इसे बिनते जाएंगे। फिर से यहाँ एक फंदा गैप है तो उठाएंगे। ये देखिए इस तरह से अभी तीन हुए हैं। इसी तरह चार पांच इस तरह से सारे फंदे को यहाँ तक के सारे फंदे को उठा लेना है। देखिए ये पिंक वाले सारे फंदे बिन लिए हैं, एक एक फंदा हर लाइन में उठाते उठाते। अब यहाँ पे देखिए दो फंदा ग्रीन का रह गया है, 16 फंदे में जो दो फंदा भी बचा हुआ है तो इस लाइन में ग्रीन कलर से ही बिनेंगे। ये पिंक वाला धागा भी यहीं छोड़ देते हैं। देखिए इस तरफ आ गए हैं, यहाँ से फिर से एक फंदा उठा लेंगे, इन दोनों को साथ में लेके बिन देंगे, यहीं से धागा पलट देंगे। सीधी साइड से भी लेते यहाँ तक आ जाते हैं। ये देखिए बिन लिया, अभी यहाँ एक फंदा रह गया है, इस लाइन में उसे भी बिन लेंगे। देखिए यहाँ तक आ गए, इन दोनों को साथ में लेके बिन देंगे, यहीं से धागा पलट देंगे। इस साइड से भी बिनते हुए ऊपर की तरफ चले जाते हैं इस तरह से। ये देखिए बिनते हुए ऊपरी साइड में आ गए इस तरह से, ये इसकी ये पत्ती कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ पे देखिए अब ये बन गया, ये बन गया, अब ये बनाना है तो यहाँ से फिर से ये वाला शेप बनाना है। यहाँ से फिर से पिंक कलर हम लोग लगा लेंगे, इस लाइन को पूरा बना लेंगे यहाँ तक एकदम अंत तक, यहाँ तक। देखिए यहाँ बहुत ज़्यादा गैप है तो ये पिंक वाला फंदा उठा लेते हैं, इन दोनों को साथ में लेके बिन देंगे, इसे अंत तक बिन लेते हैं। ये देखिए अंत में आ गए, अब इसकी सीधी साइड में आ गए। अब सीधी साइड से सेम इसमें जैसे किए थे वैसे ही कर लेंगे, इधर से जाके इन सबको बिनते जाना है, यहाँ से दो फंदा बिना बुने छोड़ना है, दोनों साइड से दो दो फंदा छोड़ते जाना है। ये जो बीच में आएगा, ये जो बीच में आएगा उस फंदे को उठा लीजिएगा, नहीं तो बहुत गैप आ जाएगा। इस तरह से उठा के खींच लिए हैं, अब बाकी को बिनते जाना है। ये देखिए बिनते हुए इस तरफ आ गए हैं, इधर से ये दो फंदा बिना बुने छोड़ देते हैं, धागा उल्टे तरफ कर देते हैं। ये देखिए इन दोनों को छोड़े, अब इधर से भी फिर से बिनते जाएंगे और इधर लास्ट में फिर से दो फंदा बिना बुने छोड़ेंगे, इसी तरह जैसे इसमें किए थे वैसे ही दोनों साइड से दो दो फंदा छोड़ते जाना है। अंत में जब चार फंदा रह जाएगा तब दोनों साइड से दो दो फंदा जैसे बताए थे वैसे ही बिन लेना है, जैसा इसमें किए थे बिल्कुल सेम ही पैटर्न यहाँ पे बनेगी, तो इसे कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स इसको बनाते हुए अंत वाला लाइन में आ गए, अभी यहाँ पे देखिए ये चार फंदा रह गए, चार फंदा, ये दो फंदा और ये दो फंदा और इधर में भी दो फंदा है। अभी इस लाइन में हम लोग उल्टे साइड में है तो इस लाइन में सबको बिनते जा रहे हैं और इधर से यहाँ तक बिन लेते हैं पहले। ये देखिए बिनते हुए इस तरफ आ गए हैं,
ये देखिए, ये दो को बुन देंगे, इसमें से एक फंदा उठा करके धागा लपेट के फिर वापस इसी पे कर देंगे। तो ये वाला फिर रह ही जाएगा, इसमें जैसे पहले वाला कली में रह गया था वैसे ही दो फंदा भी रहेगा। इसी यही होता है कि गैप कम आएगा। अब इस लाइन में इधर में देखिए सिर्फ दो फंदा रह गया है। अब इस लाइन में सबको यहाँ तक पूरा बुन देना है जैसे ये कली कंप्लीट हो जाएगी। ये देखिए आगे ऊपरी साइड में। अब यहाँ से फिर से ग्रीन कलर लगाएंगे, ये जो बीच बीच में ग्रीन कलर का है वो वाला बना रहे हैं अब। तो देखिए ये इस तरह से सिर्फ दो फंदा ही बुनना है और पलट जाना है। इस तरह से इस बार चार फंदा बुनेंगे। दो, तीन, चार, फिर से पलट जाना है, फिर ऊपरी साइड में ही घूम जाना है इसे। इस तरह से इस बार छह फंदा बुनेंगे। इसी तरह से दो दो फंदा इस तरफ पिंक वाला फंदा में से ग्रीन में कन्वर्ट करते जाएंगे। देखिए चार है, इस बार छह हो जाएगा। ये देखिए छह हो गए। यहीं से धागा पलट देंगे, फिर वापस आएंगे, फिर आएंगे तो फिर और दो फंदा आगे बढ़ जाएंगे। इसी तरह से जो 32 फंदा है सबको ग्रीन कलर में कन्वर्ट कर लेते हैं। हर लाइन में दो दो फंदा आगे की तरफ बुनते जाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इसको कन्वर्ट करते करते यहाँ तक कर लिए, अंत में सिर्फ दो फंदा रह गया। तो इस लाइन में सबको ही हम यहाँ पे बुन लेंगे। ये देखिए इस तरफ आ गए दो फंदा जो रह गया है, इसे भी कन्वर्ट कर दिए। इस तरह से सारे 32 फंदे को कन्वर्ट कर दिए हैं। इसके इस साइड से सीधी साइड से भी बिन करके यहाँ तक चले जाएंगे। ये देखिए इस तरह से बिन लिए हैं। अब यहाँ से देखिए इधर से सबको बुनते जाना है और इस तरफ से जिधर ये मिडल वाला बन रहा है, सर्कल बनेगा, उस तरफ से दो दो फंदा करके छोड़ते जाना है। यहाँ पे सिंपल सिंपल उल्टा उल्टा ही बुनना है। इसे बुन लेते हैं, यहाँ तक कर लेते हैं। ये देखिए इस तरफ बिनते हुए आ गए हैं। ये दो फंदा इस तरफ से छोड़ देते हैं। सीधी साइड से भी सबको बिनते हुए ऊपर तक कर लेते हैं। ये देखिए इस तरफ आ गए ऊपरी साइड में। फिर से सेम करेंगे, फिर से बिनते जाएंगे इधर से और फिर से अंत में दो फंदा बिना बुने छोड़ेंगे। जैसे ये दो फंदा छोड़े, इस बार इसे छोड़ेंगे। इसी तरह से दो दो फंदा छोड़ते जाना है एकदम ऊपर तक। जितना भी 32 फंदा है उनको इसी तरह से छोड़ते जाना है। तो इसे ऊपर तक भी, ये देखिए फ्रेंड्स, दो दो फंदा छोड़ते हुए यहाँ तक छोड़े हैं। अभी अंत में सिर्फ चार फंदा रह गया है, तो इनमें से दो को और बुन लेते हैं। इस तरह से यहीं से धागा पलट देंगे। ये देखिए इस तरह से अगर आप देखें तो ये जो कली यहाँ से शुरू हुई है, यहाँ से लेके यहाँ तक 32 लाइन बना। 16 लाइन में हम लोग इसका एक पिंक कलर कन्वर्ट किया और 16 लाइन में हम लोग ये दो दो फंदा करके छोड़े। अब यहाँ से देखिए ये इसके उल्टे साइड में है, तो यहाँ से अब दूसरी कली के लिए कलर लगाएंगे। यहाँ से ये येलो कलर लगा लेते हैं। इसे यहाँ पे इसी तरह से दबाते जाएंगे। इसे अंत तक बुन लेते हैं। ये देखिए बुनते हुए अंत तक आ गए, सारे फंदे बुन लिए। अब यहाँ पे ये येलो कलर लगा लिए है। अब येलो वाला जो कली है ये वाला
ये फिर से बनाना होगा। ये देखिए जैसा ये कली बनाए वैसे यहाँ भी येलो कलर से बना लेंगे सेम प्रोसेस के साथ। इसी तरह से इसमें ये तीन कली बनेगी जैसा कि इसमें बना हुआ है, इसी सेम तरीके से इसे कंप्लीट कर लेंगे। अंत में सारे फंदों को बंद करके सिलाई कर लेंगे जैसे कि इसमें किए हैं। देखिए यहाँ अंत में सिलाई किए हैं। अगर आपको फंदे बंद करके सिलाई करना आता है तो आप कर लीजिएगा, और अगर आप नहीं आता है तो कमेंट करिएगा इसका मैं अंत में कैसे फंदे बंद करते हैं और कैसे इसको सिलाई करते हैं वो भी बता दूंगी नेक्स्ट वीडियो में।